तीन तारीखें, तीन डेट्स, तीन दिनांक भारत के लिए, भारत के अंदर, भारत के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि 26 नवंबर और 15 अगस्त को छुट्टी होती है और इस बार लगभग 4000 कार्यक्रम 26 नवंबर को लगे। ये तीनों ही हमारी राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय डेट हैं, राष्ट्रीय तारीख हैं, हमारी राष्ट्रीय तिथि हैं। 15 अगस्त आप जानते हैं इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन भारत से जो अंग्रेज लोग थे वो चले गए और भारत का जो पावर का ट्रांसफ़र भारत के लोग लिए हो गया। दूसरा आप जानते हैं 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं, उस दिन भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अधिग्रहण हुआ था और वो कंप्लीट हुआ था, उसकी सेरेमनी है और इस बार लगभग 4000 लोगों ने पूरे देश में ये मनाई। तीसरा जो है वो 26 नवंबर है, 26 जनवरी हमारा रिपब्लिकन डे है, डेमोक्रेटिक डे है। ये रिपब्लिकन डे और डेमोक्रेटिक डे को बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि बेसिकली है क्या, और अनपढ़ और जो गांव के लोग हैं उनको तो पता ही नहीं चल पाता कि ये रिपब्लिकन डे या डेमोक्रेटिक डे है क्या, ये जो हमारा लोकतांत्रिक या गणतंत्र दिवस है ये है क्या। और इतना सबको याद रहता है कि 26 जनवरी की छुट्टी है और एक दिल्ली में राजपथ पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सबसे बड़ा, जिसमें परेड निकलती है और जहां सेना का सशक्त प्रदर्शन होता है और भी चीज़ों का प्रदर्शन होता है और कोई ना कोई विदेशी मेहमान भी आता है और वहां लोग और बच्चे बहुत आते हैं जो टीवी वगैरह पर अक्सर दिखाई जाती है बचपन की यादों में, या बहुत ज़्यादा होगा तो किसी चौराहे पर कोई नेता या किसी स्कूल में कहीं दो लड्डू, एक झंडा फहराते हैं और मोस्टली अस्पताल में या सरकारी बिल्डिंगों पर झंडा फहराते हैं। ये कार्यक्रम 26 जनवरी का, रिपब्लिकन डे का, गणतंत्र दिवस का मनाया जाता है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये सारे कार्यक्रम लगभग सरकारी कार्यक्रम हैं, यानी सरकार इसको मनाती है। और इसका बहुत मज़ेदार और दूसरा पहलू है वो ये है कि पब्लिक की भागीदारी इसमें नहीं है, यानी पब्लिक 26 जनवरी को अस्पताल बंद, बाजार बंद, ऑफिस बंद, सड़कें बंद, स्कूल बंद, पूरा भारत लगभग बंद होता है और लोग छुट्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर 26 जनवरी को मनाता कोई नहीं है, सिर्फ छुट्टी मनाते हैं। क्योंकि सरकार मनाती है, इसलिए मान लिया कि सरकार ने मना लिया तो हमारी जिम्मेदारी मनाने की ख़त्म हो गई, हमारा उत्सव नहीं है, सरकार का उत्सव है। शुरू से बचपन से ऐसा ही है कि बस स्कूल के अंदर छुट्टी हुई, दो लड्डू खाए या थोड़ी सी मीठी मीठी कोई चीज़ उन्होंने दे दी और वहाँ राष्ट्रगान गा के और अपने घर आ गए और 26 जनवरी हो गई। 26 जनवरी इतनी छोटी नहीं है, ये भारत का बहुत बड़ा उत्सव है, इसको भारत के सभी लोगों को मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए? इसलिए मनाना चाहिए कि भारत उस दिन गणतंत्र में बदला, लोकतंत्र में बदला। अब गणतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्या होता है, अगर ये स्पष्ट आप समझ लेंगे तो इसको मनाना शुरू कर देंगे। गणतंत्र का मतलब है गणतत्व, पाली भाषा में इसको गणतत्व बोलते हैं। पहले गण समझिए, गण क्या होता है। अगर कुछ लोग कहीं इकट्ठे हो जाएं और अच्छे लोग हों और वो बैठ के कोई तत्व बना लें, कोई तंत्र बना लें और अपना कोई गणपति चुन लें तो उसको गणतंत्र बोलते हैं। इसमें जितने भी लोग होते हैं सभी की बात सुनी जाती है और सभी की बात मान के उस गणपति को उस आदेश का पालन करना होता है। गणपति की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वो कोई भी अपना मर्जी से काम नहीं कर सकता। गणपति जो गण है, यानी गण परिषद है, जो गण के लोग हैं, जो चुन के आते हैं, उनकी बात को ही मनाता है। नाम सिर्फ गणपति का होगा मगर पूरी की पूरी जो गण परिषद है वो उस काम को करेगी। इसके अंदर कोरम पूरा होना बहुत ज़रूरी है, जो पुरानी भाषा में इसको गणपूरक या गणपूरण बोलते हैं। गणपूरण का मतलब है द कोरम और गणपूरक का मतलब है एक व्यक्ति वो जो कोरम के लिए आवश्यक है, जो उसको कंप्लीट करता है। एक तरह से आप ये समझ लें कि इसमें जो गण हैं वो एक तरह से सांसद की तरह हैं, जो लोग उनको चुन चुन के भेजते हैं। यहाँ जो नीति बनती है वो लोक नीति बनती है, गणनीति बनती है, और गणनीति या लोक नीति के तहत में काम करना होता है और ये सबके द्वारा होती है, सबके लिए होती है और सबकी होती है। ये नीति एक व्यक्ति की नहीं होती। इसके उलट जो नीतियाँ होती हैं
उनको बोलते हैं राजनीति, यानी कि एक गणनीति हो गई जो गणतंत्र के लोगों के लिए होती है, एक हो गई राजनीति। भारत में राजनीति शब्द प्रचलित है मगर चलती है जो संविधान के अंदर है वो गणनीति है। लोग अभी इसको जवान पर नहीं लेके आए क्योंकि राजा लोग नहीं चाहते कि उन लोगों को ये पता चले कि अब गणनीति का जमाना है। राजनीति में क्या होता है, राजनीति में आप ध्यान देंगे तो बड़े कमाल की चीज़ होती है। एक राजा होता है, एक राजकुमार होता है, एक राजकुमारी होती है, एक राजमाता होती है, एक महाराजा होता है, एक राज सिंहासन है, राजभय, राजभोग, राजदंड, राजकुल, राजमहल, राजदेवी, रनिवास, रानी का निवास, राज मंदिर, राज संपत्ति, राशि ठाटवाट, राजा की सवारी, राजा की बग्गी, सारा राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। सब जहां राज जुड़ गया वहां पब्लिक खत्म हो गई और व्यक्ति विशेष आ गया। इसलिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें गणतंत्र में एक व्यक्ति की पॉलिसी नहीं चल सकती है, सिंगल यानी ऑटोक्रेसी नहीं चलेगी इसके अंदर। इसके अंदर तानाशाही नहीं चलेगी, डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। इसके अंदर पब्लिक की जो रिपब्लिक है, जो डेमोक्रेटिक है, जो पॉलिसी भारत की है, जो गणतंत्र की पॉलिसी है, लोगों की पॉलिसी है, लोक नीति है, वही चलेगी। राजनीति में राजा की इच्छा के ऊपर निर्देश होता है। उसकी इच्छा खराब हो गई तो गलत डिसीजन हो गया, उसकी इच्छा अच्छी हो गई तो ठीक हो गया। उसका मन किया कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा तो पहुँचा दिया, उसका मन किया कि कुछ ना करे तो कुछ नहीं करेगा, उसका मन किया काम नहीं करना तो नहीं करेगा। मगर लोक नीति में, गणनीति में पूरा सिस्टम काम करता है। एक दो दस व्यक्ति अगर आए या चले जाएं, गणनीति में, लोकतंत्र नीति में, गणतंत्र में इसका फर्क नहीं पड़ता। गणनीति के अंदर जो गणों को चुना जाता है उसके बाद में वो अपना एक गणपति चुनते हैं, तो सत्ता जो रहती है, पावर जो रहती है डिसीजन की, वो जो सांसद हैं यानी जो गण हैं उनके हाथ में रहती है, परिषद के हाथ में रहती है। मगर राजनीति के अंदर एक व्यक्ति के हाथ में रहती है, वहाँ वो संसद जो गण हैं यानी जो उसकी परिषद है वो हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भारत में जो राजशाही यानी रानीशाही का निवास चलता था, यहाँ जो ब्रिटेन की महारानी थी उनका जो रूल चलता था, उस रूल को ख़त्म करके यहाँ गणतंत्र लेके आए। अब यहाँ जो संसद में 700-750 जो लोग बैठे होते हैं वो प्रधान होते हैं, वो अपना गणपति चुनते हैं, हम सांसद को चुनते हैं। मगर फिर भी आम भाषा में बोलचाल में इसको राजनीति के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये जवान पे आया हुआ है, इसको गणनीति के नाम से नहीं बोला जाता। बेशक हमको इसको गणनीति के नाम से बोलना चाहिए क्योंकि ये गणतंत्र है और गणतंत्र पे कम से कम इसको हम ठीक कर लें शब्द को, क्योंकि राजनीति हमारे लिए ठीक नहीं है। राजनीति में पब्लिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, गणनीति में पब्लिक पूरी रेस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि वो सारे काम अपने लिए करती है, बड़े मन से करती है। गणनीति में जो देश होता है वो पब्लिक का होता है, लोगों का होता है। राजनीति में जो देश होता है वो राजा का होता है, उसका अधिकार होता है। राजनीति में जो जनता होती है वो गुलाम होती है, गणनीति में जनता होती है वो मालिक होती है। गणनीति में जितने भी काम होते हैं वो सबके फायदे के लिए होते हैं, राजनीति में जितने फायदे होते हैं वो राजा के लिए होते हैं या राजा के परिवार के लिए होते हैं और किसी के लिए नहीं होते। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। बुद्ध जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पहले इलेक्शन कमीशन थे और वो अपने यहाँ चुनाव कराते थे और चुनाव का उनका प्रोसेस भी है जो उनके त्रिपिटक में दिया हुआ है। ये कमाल की बात है कि उस समय भी भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं से सारी सलाह मशवरा करके डिसीजन लेते थे और कहीं अगर बात अटक जाती थी तो चुनाव होता था। चुनाव की प्रक्रिया बड़ी सरल सी थी कि एक लकड़ी का टुकड़ा जिसके ऊपर कुछ सिग्नल सा बना होता था, कोई काला या पीला जैसा भी है, उसको हाथ में दबा के दिया जाता था और वो व्यक्ति ये काम करता था जिस व्यक्ति का दोनों पार्टियों से कोई भी संबंध ना हो, ना अच्छा ना बुरा। और वो कहते थे कि अगर आप इसके पक्ष में हैं तो ये वाला दिखाएं और अगर इसके पक्ष में हैं तो ये वाला दिखाएं। ऐसे करके चुनावी प्रक्रिया उस समय की हुआ करती थी, बड़ी स्पष्ट है। भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, भारत ऑटोक्रेसी, मोनार्की या डिक्टेटरशिप नहीं है। भारत एक व्यक्ति के द्वारा, राजा के द्वारा मनमाना चलाने नहीं चलाया जा सकता क्योंकि इसके अंदर आपातकाल का भी है, यानी भारत का जो संविधान है उसके अंदर अगर आपको तानाशाही चलानी है, ऑटोक्रेसी चलानी है, मोनार्की चलानी है तो लोकतंत्र के तहत ही आप चला सकते हैं। यानी कि लोकतंत्र भी रहेगा और आपको अगर कोई लगता है कि इमरजेंसी आ गई तो आप आपातकाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत सी बात है कि लोकतंत्र के अंदर भी एक डेमोक्रेटिक पार्ट छोटा सा दिया हुआ है इनकेस अगर कभी स्थिति हाथ से जाए। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से इसको करना चाहिए और हमें
इस गणतंत्र के मौके पे सबको संविधान बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और संविधान सभा में जो संविधान यानी गणतंत्र जो गढ़ा गया है, जो बनाया गया, जिसकी एक एक सूत्र, एक एक आयत, एक एक पंक्ति, एक एक डायलॉग, एक एक चीज़ जो उसमें बनाई गई है, उसको हमें अध्ययन करना चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे संविधान के ये जो सूत्र हैं, संविधान के जो ये नियम हैं, कितने सारे लोगों ने मिल बैठ के ये बनाए और कितने खूबसूरत तरीके से इन पर बहस हुई और क्यों हुई। उस बहस में सबने अपनी अपनी बात क्या रखी, इसका हमें अध्ययन उस समय करना चाहिए। देश हमारी शान है, संविधान देश की जान है, ये जज्बे के साथ हमको इसको मनाना चाहिए। पिकनिक मनाएं, पतंग उड़ाएं, स्पोर्ट्स का काम करें, डांस करें, म्यूजिक ग्रुप करें, जय भारत करें, जय भारतवासी करें, जय गणतंत्र करें। धन्यवाद।